तो इतना वक्त भी गुजर गया है, अब तक तो वो साधु बन भी गए होंगे। लेकिन एक बात बता दें, भैया अपने मन की सुख शांति के लिए घर से नहीं गए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। जीने की कोई राह नहीं दिखी तो साधु बनने चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक भैया घर क्यों नहीं है बाबूजी? जितना आप अपने बेटे को और हम अपने भैया को जानते हैं ना, एक बार अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो बिना उसे पूरा किए दम नहीं लेते वो। लगता है अब भैया का इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और ना ही इस घर का भैया से। आज छोटू की माँ ने मेरा एक भ्रम तोड़ दिया भैया। मुझे लगता था कि अशोक जी चाहे हमसे जितना भागे, चोरी छुपे ही सही, वो हम सबको देखते जरूर होंगे, हमारा सुख दुख महसूस करते होंगे। पता है कल तो ये तक लगा था मुझे कि वो लौटकर वापस आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ भाभी, अशोक ने सब बिखेर कर तो रख दिया है, पर मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं आप सब लोगों की फिक्र होगी। नहीं भैया, भ्रम है आपका, भ्रम है ये। अगर हमारे बारे में फिक्रमंद होते तो क्या कृष्णा के बारे में पता नहीं चलता उन्हें? मुझे देख लेना सही, अपने बेटे को देखने तो आना चाहिए था उन्हें। बेटी सीढ़ियों से गिर गई, उसका तक एहसास नहीं हुआ उन्हें, तो अब छोटू की माँ सही कह रही है, तूने कोई फिक्र नहीं है हमारी, वो भूल गए हैं सबको। भाभी, अशोक ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पता है आज मन कर रहा है कि उनके सामने जाऊं और उनसे पूछूं मैं कि साथ फेरे लेते वक्त जो कसमें खाई थी उनका मान नहीं रखेंगे? अपने हिस्से की कुछ तो जिम्मेदारी निभाइए, हमारी कुछ तो मदद कीजिए, जाए जाके अपने बेटे को ढूंढ कर लाइए। लेकिन भैया ये सब कहने पूछने के लिए मैं उन्हें कहां से ढूंढूं? और बाबूजी, एक आदमी ना घर छोड़कर तभी भागता है जब उसकी अपनी पत्नी से ना निभे। बाकी आप सब हमसे बड़े हैं, आपको जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, तो आप ये बात समझते होंगे कि एक आदमी सन्यासी बनने के लिए तभी जाता है जब वो अपनी बीवी से परेशान हो, और हमारी भाभी तो है ही महान। पक्का ना भाभी ने ना भैया को भड़काया होगा और कहा होगा कि कृष्णा को इस घर का वारिस बनाए, और भैया वो नहीं माने होंगे क्योंकि वो हमारे घर के बारे में सोचते हैं, जैसे बाबूजी आप सोचते हैं ना, अम्मा सोचती हैं, जिज्जी, हम, अरविंद सोचते हैं वैसे। लेकिन भाभी भैया के पीछे पड़ गई होंगी, बोल रही होंगी कि नहीं उसे घर का वारिस बनाए, और भैया उनसे परेशान होकर। भैया भाग गए घर से। क्या बोल रही हो तुम? जो भी बोल रहे हैं ना, सब सच बोल रहे हैं। भाभी, आपको पता था ना कि भैया सन्यासी बनने वाले? आपने ये बात अम्मा बाबूजी को क्यों नहीं बताई?
नहीं बताई, कोई बात नहीं। लेकिन जिस औरत को पता हो कि उसका पति सन्यासी बनने जा रहा है, वो औरत उसे रोकने की कोशिश तो कर सकती थी ना। लेकिन नहीं, भाभी ने कोशिश तक नहीं की उन्हें रोकने की। अरे मास्टरनी, ये कोशिश कैसे करती है? ये तो अपनी उल्टी गंगा बहा रही थी। देखो, हमारी आदत नहीं सु बनाने की, पर हम बता रहे हैं, ये यशोदा रानी जो है ना, ये ऐसे लोगों में से हैं कि जो महान बनने के चक्कर में अपने घर को फूंक करके मोहल्ले को जाके रोशन करते हैं। नहीं, ये इन्हें कतई चिंता फिक्र नहीं है हम लोग की बात करती हैं। अम्मा, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि इनका जलता चूल्हा छोड़ करके तुम हम लोगों के साथ आके खड़ी हो जाओ। आ जाओ हमारी साइड में। और फिर हम सब घर वाले एक साथ इकट्ठा होकर के भाई के सन्यासी होने का दुख मनाएंगे। सांसारिक नियम को त्याग कर सन्यास के नियम, कानून और अनुशासन को अपना लूंगा। ठीक है, तो तुम हवन को साक्षी मानकर ये प्रण लो कि तुम अपने अतीत को मुड़कर भी नहीं देखोगे। इस आहुति के बाद मैं अतीत की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। साथ ही ये वचन दो कि अब तुम जो भी जीवन जियोगे वो सन्यासी का जीवन जियोगे और तुम्हारी मृत्यु भी एक सन्यासी की ही होगी। मैं वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा सन्यासी की तरह ही जीऊंगा और मेरी मृत्यु भी सन्यासी की तरह ही होगी। अब सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके तुम स्वाहा कहो और इस स्वाहा के साथ ही तुम सन्यासियों की दुनिया के प्रथम द्वार में प्रवेश कर जाओगे। जी बाबा। इसके साथ ही यह हवन संपन्न हुआ। कृष्णा, वो दो दिन से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मम्मी इसी बात को लेके बहुत परेशान है। ओ
तुम स्वेच्छा से सन्यासी बनना चाहते थे, हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी? नहीं बाबा। जब तुम्हारे मन में अपने परिवार और रिश्ते नातों के प्रति मोह था, तो फिर तुमने सन्यासी बनने का ढोंग क्यों किया? हवन में आखिरी आहुति से पहले तुमने अपने परिवार के हर सदस्य की कसम खाई थी। हम कसम इसलिए नहीं खिलाते हैं कि कसम का दबाव बनाकर तुम्हें सन्यासी बनाए, बल्कि वो तो तुम्हारे दृढ़ निश्चय को भांपने का एक तरीका है, ताकि हमें विश्वास हो सके कि तुम उस रास्ते पर चलने के लायक हो। अगर तुमने तो कसम भी झूठी खाई, तुमने अपने और हमारे साथ छल किया है। जानते हो, ये छल एक अपराध है, और वो चाहे अपनी प्रेमिका के साथ किया जाए, या अपनी पत्नी के साथ, या अपने बेटे के साथ, या हमारे साथ, वो हर जगह अपराध ही होता है। बाबा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इन साधुओं की ओर देखो, इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये देखने के लिए नहीं गया। ये इसका बेटा 4 बार रोता हुआ इसे घर ले जाने के लिए आया, लेकिन ये भी नहीं गया। इनकी मां 1 सप्ताह तक इसी चौखट पर रोती रही इन्हें ले जाने के लिए, लेकिन ये नहीं गए। अगर हर कोई अपने अतीत के मोह में फंसकर यहां से भागता रहा, फिर तो गृहस्थ और सन्यासी जीवन के बीच कोई सीमा ही नहीं रहेगी। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर तकलीफों से परे जाना ही सन्यासी का धर्म है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। कहाँ जाएगा बाकी? तेरी यशोदा मैडम के पास? वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि कल शाम को मेरे पैसे मिलने के बाद मैं तुझे उन लोगों को बेच दूंगा, और वो तुझे यहां से बहुत दूर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तेरी एक अच्छी सी फोटो खींच लेने दे, जो फोटो मैं तेरी यशोदा मैडम को भेज सकूं। अब रोनो धोनो बंद कर, स्माइल। कृष्णा, ए कृष्णा, एक फोटो खींच दे, ताकि ये फोटो मैं टाइम टू टाइम तेरी यशोदा मैडम को भेजता रहूं, और ये फोटो देख के उसे तकलीफ हो, और उसकी तकलीफ देख के मुझे सुकून मिले। चल चल, एक फोटो खींचने दे, स्माइल कर। ये पलट ना कृष्णा, चेहरा तो दिखा। कृष्णा, मार मरा तो नहीं क्या? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये कृष्णा, आके खोल, आके खोल, कृष्णा कृष्णा, आके खोल, कृष्णा कृष्णा, आके खोल। चल, तुझे क्या लगा था तू बच के निकल जाएगा? इस बार तू और यशोदा कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगे।
कौन है? पत्नी है मेरी, पत्नी है मेरी, नहीं है मेरी। और अशोक, इन सब के साथ तुम्हें एक वादा और करना हो कि तुम यशोदा, कृष्णा या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से ना तुम मिलोगे ना उनके सामने आओ। मैं वादा करता हूँ आलोक जी, मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलूंगा। पलट क्यों नहीं रहे ये? शायद अब कृष्णा को अगवा करने में भी वरुण शर्मा का ही हाथ। जी सही सुना है आपने, दो दिन से पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, और मुझे भी यही लग रहा है कि वरुण ने ही उसे और एक बात कहनी थी, मेरे पति घर छोड़कर चले गए हैं और सुना है कि वो भी साधु बनना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके समाज में से किसी को अशोक गुप्ता का पता चले तो प्लीज उन्हें बता देना कि उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है। और उनके परिवार वालों को उनकी बहुत जरूरत है, और मुझे भी। उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है, और उनके परिवार वालों को उनकी उनकी बहुत जरूरत है। सुनो, देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। काहे से अम्मा और यशोदा दोनों को हमारे ऊपर शक हो गया है। हाँ, अगर कहीं इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो समझ लियो फुटबॉल की तरह ऐसा किक मारेंगी ना कि हमारी एंट्री हमेशा हमेशा ये हमारे मायके में बैन हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अरे कामिनी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को भी आपको आपके मायके से निकालने नहीं दूंगा। सारी प्लानिंग हो चुकी है, मैं कृष्णा को कल शाम को उन लोगों के हवाले कर दूंगा और पैसे भी मुझे तुरंत मिल जाएंगे। फिर मैं शहर से दूर चले जाऊंगा और कृष्णा इस देश से दूर। देखो जरा कैसे आवाज आ रही है मेमने की, मुंह तो मुझे उसका बंद करो, कहीं किसी ने उसकी आवाज सुन ली तो। मैंने कहा ना कामिनी जी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ दूर दूर तक इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तब फिर ठीक है। चलो चलो, रखते हैं फोन। वाह मास्टर नी वाह, गजब, आज तुमने साबित कर दिया कि तुमको मास्टर नहीं बोल कर की ना तुम कुछ गलत नहीं कहते हैं। वैसे एक बात बताएं, आज तुमने फोन उठा करके ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कृष्णा को वापस तो लाना ही होगा, लेकिन उसके लिए वरुण का पता कैसे लगा है? पुलिस ने 3 दिन से अभी तक कोई सुराग नहीं जुटाया। अशोक, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान की समस्या का हल हमें हमारे अतीत में मिल सकता है,
तुम शहर के बहुत काबिल वकील रहे हो। पुलिस और मुजरिम दोनों से तुम्हारे संबंध होंगे, तो उन संबंधों से कोई हल निकालो। कई ऐसे मुखबिर होते हैं जो पुलिस और ऐसे लोगों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो उससे बात करो, क्या पता कोई हल निकल आए। सही कहा आपने, मेरा अतीत ही अब वरुण का पता लगाएगा। साधु के वेश में ये करेगा कैसे? आखिर क्या करेगा अशोक? तो जाइए कृष्णा को बचाने, उसकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। संसार में सभी सुखी रहे, पापियों का नाश हो, भगवान से हम यही तो प्रार्थना करते हैं। जाऊंगा मैं, कृष्णा को बचाकर ही लौटूंगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं शहर का बहुत बड़ा वकील रहा हूं, मैं रहा बहुत बड़ा वकील, लेकिन कृष्णा के लिए मेरा बड़प्पन कभी काम नहीं आया। लेकिन आज मेरा वो बड़प्पन काम आएगा और मैं कृष्णा को सही सलामत लेकर आऊंगा। आप सबसे एक विनती है, मैं जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूं, संभव है उस कार्य को करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो इस पोशाक में रहकर नहीं कर पाऊं, क्योंकि इस पोशाक की अपनी एक गरिमा है। आप सब मुझे अनुमति दीजिए कि हृदय से साधु रहते हुए भी मैं इस पोशाक से कुछ समय के लिए आजाद होकर अपना कार्य कर पाऊं। ऐसी स्थिति में अनुमति है, और हम सबको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम हमारे साधुओं की पोशाक का इतना सम्मान करते हो। जाओ। आज मैं आप सबसे वादा करता हूं, आज मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो एक सन्यासी को शोभा ना देता हो। आपका फोन मिल सकता है, शायद मुझे जरूरत पड़े। थैंक यू। कृष्णा को ढूंढकर ही आऊंगा मैं। तुम जहां भी हो ना, वहां से तुरंत 9:11 हो जाओ। काहे से हमारे भाई अशोक को ना तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल गया है। ये इलाका बहुत बड़ा है कामिनी जी, उसका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे ज्यादा होशियारी ना दिखाओ तुम हमारे सामने, समझ नहीं आ रहा है? तुमसे जितना कह रहा तुम उतना सुनो, जानते नहीं हो तुम हमारे भाई को। ये बहुत शातिर आदमी है और ऊपर से वकील, कोई ना कोई पैतरा लगा करके ना तुम्हारे ठिकाने तक वो 100% पहुँच जाएगा, देख लेना तुम। ठीक है, आने दीजिए उसे, वो यहाँ आएगा जरूर, लेकिन उसके हाथ ना वरुण लगेगा और ना ही कृष्णा। तुमसे जितना कह रहे हैं उतना तुम सुनो, समझ में आया? जहाँ पे हो वहाँ से तुम तुरंत निकल जाओ, तुरंत छूमंतर हो जाओ। हमारा भाई वहाँ पहुँचे ना तो उसके हाथ ना तुम लगने चाहिए और ना ही कृष्णा। सुनो, वहाँ पहुँच के हम लोगों को फोन जरूर कर देना, बता देना कहाँ हो। हाँ चलो रख रहे। अरे तो जेजी खून सवार है, हम बता रहे हैं। नहीं जेजी खून सवार है। अरे छोड़ दो ना। इनकी अर्थी पे ना पहुंचकर कंधा ना देने पर हम अभी से माफी मांग रहे हैं। खून सवार है जेजी, कुछ भी अनर्थ हो जाएगा मैं कह रहा हूँ फोन करो। उनको फोन करो, कोई बात नहीं, हम लोग फंसे, हमें नहीं, फोन करो, करवाए ना। भाई अरे देखो, साधु सन्यासी के मन में ना दया होती है, क्षमा होती है, दिल दिमाग एकदम शांत होता है, भगवान में एकदम लीन होता है, है? ये ऐसा पाप मत करो, है? ध्यान मत दो जिज्जी, फोन करो। कमीने फोन करो, फोन करो। अरे ये त्रिशूल आर पार कर देगा, हम मर जाएंगे, तब करोगे क्या फोन? कर बात लगा रहे ना, बोलना क्या है भाई? मुझे अपना अड्डा बदलना ही होगा। अगर अशोक को पता चल गया है तो वो जरूर पुलिस के पास जाएगा। मुझे आज शाम को कृष्णा को उन लोगों के हवाले करना है, लेकिन तब तक इसे कहां रखूं? अब क्या हुआ कामिनी जी? अरे वरुण क्या बताएं,
देखो आदत तो नहीं है हमारे यीशु बनाने की, पर तुमको मैं एक बात बताएं, हमारा भाई जो अशोक है ना, उसकी तो किस्मत ही खराब हो गई है। अब बताओ है? आया था कृष्णा का बाप बनने के लिए और खुद ही भूल गया कि साधु सन्यासी बन गया है। अरे हाँ एक बात और बताएं, कई साधु लोग आए हैं उसको आश्रम से ले जाने के लिए, हमको नहीं लगता है कि कोई इस बार इसको छोड़ करके जाएगा, लेके जाएंगे सब, देख लेना। तो मैं क्या करूं? अरे मतलब हमारे कहने का ये है कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी मत करना है। लेकिन कामिनी जी, क्या अशोक अपने बेटे को छोड़ के उन साधुओं के बंधन में रह पाएगा? अपने बेटे को ढूंढने के लिए वापस नहीं आएगा? अरे देखो हम बता रहे हैं, वो लोग ना आज रात में ही यहाँ से जा रहे हैं, हमको पता चला है ऐसा है? कामिनी जी, कोई और बात तो नहीं है? मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी बात? अरे कैसे तुम्हें यकीन नहीं हो रही हमारी बात पे? कहाँ जा रही हो बहू? बाबूजी, आपके मान सम्मान का दायरा लांग कर ना, भाभी फिर से उस कृष्णा को ढूंढने जा रही हैं। इस मान सम्मान का दायरा लांगने की सजा बंटवारे के लकीर के रूप में हम भुगत रहे हैं महुआ। बाबूजी के पोते को बचाने जा रही हूँ। बाबूजी चाहे ये रिश्ता माने या ना माने, मैं जानती हूँ एक दिन जरूर आएगा जब मेरे सर पे हाथ रख के बाबूजी यही कहेंगे कि आज मैं जो भी कर रही हूँ उनके लिए कितना जरूरी था। मम्मी आप नहीं जाएंगी? मम्मी आप जाइए। बहू एक बात सुन लो हमारी, इस बात के लिए तो हम कभी भी तुम्हारे शुक्रगुजार नहीं होंगे। हाँ अगर तुम नहीं गई तो शायद हो जाए, वैसा करके तुम बंटवारे की लकीर को और गाढ़ी कर रही हो। करो, पर इतना याद रखना, अगर कृष्णा घर वापस आया तो इस घर के साथ साथ रिश्तों के बंटवारे के लिए भी तैयार रहना।